हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ अपनी 10th पास कर रखी है, उनके लिए यहाँ पे CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के अंडर कंप्लीटेड 940 वैकेंसियां जो है कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए फ्रेंड्स डिक्लेयर हो चुके हैं, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट CISF पे फ्रेंड्स डिक्लेयर हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मोड में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन इन CISF की फ्रेंड्स अपडेट हो चुकी है। अब आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डायरेक्टली यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास कर रखी है वो इसके अंडर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट आपका यहाँ पे एजुकेशन का और एज का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा डिटेल्ड में, वो हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने का लिंक है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। कब तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगी, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो कंप्लीट जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है डिटेल्ड में हम इस वीडियो में फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने 10th पास कर रखी है उनके लिए काफी अच्छा मौका यहाँ पे मिल रहा है उनको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा, वहां से आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 सितंबर 2019 अभी इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का, और 22 अक्टूबर 2019 को आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 29 अक्टूबर 2019 शाम को 5 बजे तक लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो कंप्लीट आप यहां पे देख सकते हैं जो आपके यहां पे कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसियां रहेंगी CISF में वो आपकी यहां पे इन ट्रेड्स के अंडर रहेंगी। तो कांस्टेबल ट्रेडमैन की सबसे पहली पोस्ट आप यहां पे देख सकते हैं, कुक, कॉबलर, बार्बर, वॉशरमैन, कारपेंटर, स्वीपर, पेंटर, मेसन, प्लम्बर, माली और इलेक्ट्रिशियन। और नीचे भी आप यहां पे देख सकते हैं बैकलॉग वैकेंसीज कांस्टेबल कॉबलर और कांस्टेबल बार्बर। तो ये जो आपकी कंप्लीट ट्रेड्समैन की वैकेंसी रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अंडर आप यहां पे वैकेंसियां देख सकते हैं। एक्स सर्विस मैन के अंडर भी आपकी यहां पे रिजर्व्ड वैकेंसियां जो है वो रहेंगी। और टोटल यहां पे सभी ट्रेड्समैन के अंडर जो आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रहेंगी इन सभी को एड करके आपकी कंप्लीट फ्रेंड्स 914 वैकेंसियां रहेंगी। किसी भी पोस्ट के अंडर फ्रेंड्स आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंडर आपका क्या यहाँ पे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसके अंडर आपकी कितनी पोस्टें यहाँ पे रहेंगी। तो चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपका यहाँ पे एजुकेशन और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंडर और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपकी कितनी वैकेंसी फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अंडर रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस है, जब आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं उससे सबसे पहले आपका कंडक्ट होगा फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपको रनिंग लगानी पड़ेगी, उसके बाद फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपका हाइट, वेट और चेस्ट, ये तीनों चीजें आपकी फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट में चेक की जाएंगी। कितनी आपकी कम से कम हाइट और चेस्ट होनी चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके वेरीफाई यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कंडक्ट होगी। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा जिसके अंडर भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया है। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का कंडक्ट होगा, उसमें आपका क्या आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका डायरेक्टली डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट में फ्रेंड्स कंडक्ट होगा। तो ये आपका कंप्लीट फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसके अंडर जो आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो चलिए अब यहाँ पे एजुकेशन और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपने केवल मार्टिकुलेशन यानी कि 10वीं पास आपने की होनी चाहिए, और स्किल ट्रेड्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्बर, बूट मेकर, कुक, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, इन सभी ट्रेड्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने ITI कर रखी है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कैंडिडेट्स। और जो आपके यहाँ पे अनस्किल्ड ट्रेड्स रहेंगे जैसे कि स्वीपर, इसके लिए आपकी केवल फ्रेंड्स 10वीं पास होनी चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एज आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
उनकी जो एज है यहाँ पे 1 अगस्त 2019 तक आपकी जो एज है कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो एज है 23 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये दोनों डेट्स जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं 2 अगस्त 1996 और 1 अगस्त 2001, इन दोनों डेट्स पे या फिर इन दोनों डेट्स के बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स लाई करना चाहिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपका यहाँ पे एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलैक्स सेक्शन आपको कितनी रहेगी। तो एज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्स सेक्शन आएगा 5 साल तक का, यानी कि वो स्टूडेंट्स यहाँ पे 28 ईयर्स तक इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स ओबीसी वाले हैं उनको यहाँ पे 3 साल तक का एज का अपर एज लिमिट में रिलैक्स सेक्शन रहेगा, यानी कि वो स्टूडेंट्स यहाँ पे 26 ईयर तक इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और उनका डोमिसाइल यानी कि स्टेट सब्जेक्ट इन दोनों डेट्स के बीच में बना हुआ है तो उनको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं उनको यहाँ पे इसके अंडर आपको अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन रहेगी। जो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और जम्मू कश्मीर में इन डेट्स के बीच में उनका डोमिसाइल यानी कि स्टेट सब्जेक्ट बना हुआ है उसके अंडर आप यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन देख सकते हैं अपर एज लिमिट के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन क्राइटेरिया रहेगा जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं जब आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर लेते हो तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रहेंगे उसमें आपका क्या कंडक्ट होगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ताकि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहे अब मैंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है अब ये वाली स्टेज होगी अब ये वाली स्टेज होगी, तो आपको डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टेप चढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर लेते हो सबसे पहले आपका पीएसटी पीटी डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट फ्रेंड्स कंडक्ट होगा स्टेज वन के अंडर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फिजिकली स्टैंडर्ड्स में आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड चेक किए जाएंगे जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हाइट और चेस्ट आपके यहाँ पे क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। अगर आपकी हाइट और चेस्ट इससे कम होती है तो आपको यहाँ पे फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट में आउट कर दिया जाएगा। तो ध्यान दें कि फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपकी मिनिमम हाइट और चेस्ट इतनी होनी ही चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अनरिजर्व्ड एससी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो हाइट है कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए और चेस्ट का क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम आपकी जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए और अब आप उसको एक्सपेंड करोगे चेस्ट को तो 5 सेंटीमीटर की आपकी जो एक्सपेंशन है वो फ्रेंड्स होनी ही चाहिए चेस्ट को एक्सपेंड करके। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन हिल एरिया से बिलोंग करते हैं डोगरा गोरखा गढ़वालीस मराठास तो इन हिल एरिया से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको केवल अपना स्टेट सब्जेक्ट वहां पे दिखाना है, उनको यहाँ पे हाइट के लिए रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर की दी जा रही है। तो जो स्टूडेंट्स इन स्टेट से बिलोंग करते हैं हिल एरिया से उनकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट भी उनको यहाँ पे 178 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन उनके लिए भी फ्रेंड्स रहेगा। और जो स्टूडेंट्स एसटी हैं शेड्यूल्ड ट्राइब उनको यहाँ पे हाइट के लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन सभी के लिए फ्रेंड्स रहेगा। और जो स्टूडेंट्स एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनका यहाँ पे कोई भी फिजिकली स्टैंडर्ड नहीं होगा, यहाँ पे आप क्लियरली नीचे पढ़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जब आपका फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया आपकी हाइट चेस्ट वेट मेजर हो गया वेट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा जितनी आपका हाइट और एज के हिसाब से आपका जो वेट है वो वहां पे चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट फ्रेंड्स कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं हाइट बार टेस्ट। तो सबसे पहले आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में हाइट बार टेस्ट होगा, इसमें जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपका डायरेक्टली फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट होगा जिसके अंडर आपको यहाँ पे रनिंग करनी है, कितनी रनिंग करनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 1 माइल आपको यहाँ पे रनिंग करनी है। टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है 6 मिनट 30 सेकेंड्स, 6 मिनट और 30 सेकेंड के अंदर अंदर आपको ये रेस क्वालिफाई करनी ही करनी है। अगर इससे 1 सेकेंड भी आप ऊपर हो जाते हो तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स डिसक्वालीफाई हो जाओगे इस टाइम से कम या फिर इस टाइम तक आपको यहाँ पे अपनी रनिंग कंप्लीट करनी ही करनी है और ये भी आपका यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, इसमें आपको कोई भी मार्क्स फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। तो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जब आपका क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं।
डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ में आपको यहाँ पे उनकी फोटो कॉपीज भी फ्रेंड्स साथ में लेके जाना है, और पीएसटी और पीटी में जब आप जाओगे वहां पे आपको अपना फोटोग्राफी फ्रेंड्स साथ में लेके जाना है, दो या तीन आप वहां पे फोटोग्राफ अपने साथ लेके जाओगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपने सभी एजुकेशन सर्टिफिकेट साथ में लेके जाने हैं, 10th सर्टिफिकेट जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है जिन स्टूडेंट्स ने आईटीआई कर रखी है, और 10वीं का मैट्रिकुलेशन प्लस 10वीं के आप अपना जो डिप्लोमा आपका रहता है वो भी आप साथ में लेके जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपने साथ लेके जाएंगे स्टेट सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, उसके बाद जो आपका एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट आता है जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एज के लिए रिलैक्सेशन या फिर हाइट टेस्ट के लिए रिलैक्सेशन मांगेंगे तो उनके पास प्रॉपर हिल एरिया का जो आपके पास स्टेट सब्जेक्ट है वो आपका होना चाहिए, जैसे कि जो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं अगर वो हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उनको वहां पे अपना डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स आपको अपने साथ लेके जाना ही जाने हैं जब आप वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होगी। तो जब आपकी वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा, तो जो स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं ये आपके सभी टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे, इसमें आपके कोई भी मार्क्स नहीं रहेंगे। उसके बाद डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद डायरेक्टली आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड आपको एक शीट मिलेगी उसमें आपको अपने डॉट्स वहां पे लगाने, अपना सही आंसर वहां पे आपको देना है। तो रिटन एग्जामिनेशन टोटल आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का कंडक्ट होगा, 2 घंटे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, तो इन सभी सेक्शन से आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा। एग्जाम आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं रहेगी। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें आपको यहाँ पे जस्ट क्वालिफाई इसको करने के लिए अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक्स सर्विस मैन वालों को 35% लेने ही लेने हैं, बाकी आपका जितना अबव मेरिट जाता है कितने हायर स्टूडेंट्स मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं उसके बेसिस पे फ्रेंड्स आपका रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफिकेशन रहेगी। तो एससी एसटी का और ओबीसी का आप यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम आपको 33% 100 मार्क्स में से लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो फाइनल जो आपके सिलेक्शन है वो आपके डिपेंड करेगी रिटन एग्जामिनेशन में कितने हायर मार्क्स को फ्रेंड्स आप स्कोर करते हो। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो आपका यहाँ पे सीआईएसएफ के अंडर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आपकी वैकेंसियां निकली हैं, कंप्लीट 914 वैकेंसी के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के अंडर जो हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो क्या आपका एजुकेशन और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन सी आपकी स्टेज रहेंगी, डिटेल्ड में हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप डायरेक्टली फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, फोटो सिग्नेचर को कैसे फोन से रिसाइज करके आप कंप्लीट फॉर्म को शुरू से लेकर लास्ट तक फिलअप करोगे, तो ध्यान से आप उस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आप वहां पे मिस्टेक करते हो, किसी से फिलअप करवाते हो या फिर खुद फिलअप करते हो, तो वहां पे मिस्टेक आपकी ये होती है जब आपका एडमिट कार्ड आता है वहां पे आपको बिना किसी रीजन के आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट को वहां पे एडमिट कार्ड जब आपके आएंगे पीएसटी और पीटी के और डॉक्यूमेंटेशन के तो आपको वहां पे आउट कर दिया जाएगा आपके फॉर्म के रिजेक्शन की वजह से। तो इसलिए इस बात का आप यहाँ पे खास ध्यान रखिए कि आप अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप करेंगे, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।